श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए एक श्लोक के अनुसार जो मनुष्य ये चार आसान काम करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म माफ हो जाते हैं और उससे नर्क नहीं जाना पड़ता। आइए जानते हैं उन कामों के बारे में। दान। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज निशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वो अक्षम है। दान करने से पहले या बाद में किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। आत्मसंयम। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना रहती है। सत्य बोलना। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। ध्यान या जप। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हों। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं का स्वयं से मिलन करवाने के लिए की जाती है। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।